हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये प्लांट जो आप देख रहे हैं ये फुटबॉल लिली का प्लांट है और इसके फ्लावर जो हैं बहुत ही खूबसूरत फुटबॉल की तरह बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल गोल। और इसके फ्लावर कितने खूबसूरत होते हैं ये आप देख ही रहे हैं। तो ये प्लांट जो है बल्ब के थ्रू होता है, इसमें एक बल्ब होता है उसके अंदर से एक स्टिक निकलती है। तो ये आप देख रहे हैं कि एक स्टिक निकला हुआ है, ये देखिए इसके बल्ब से एक स्टिक निकला हुआ है। और ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग इसकी हुई है। मेरे पास बहुत सारे प्लांट में फ्लावरिंग हुई है, तो ये 8-9 फ्लावर जो हैं एक ही पॉट में हुए हैं, क्योंकि मैंने इसे थर्माकोल के गत्ते में लगाया हुआ है और इसमें जगह होने के कारण इसमें जो है बल्ब ढेर सारे हो गए हैं। इसके जो बल्ब हैं ये डिवाइड होते रहते हैं इसी तरीके से, तो जब बल्ब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इसमें फ्लावरिंग जो है ढेर सारी फ्लावरिंग होने लगती है। और जो भी मैच्योर और पुराने बल्ब होते हैं उसी से फ्लावरिंग होती है। और अभी देखिए मेरे प्लांट में जो है बहुत सारे बेबी प्लांट जो हैं ग्रोथ हो रहे हैं। इस छोटे छोटे जो प्लांट हैं देखिए कितने सारे, क्योंकि इसमें जगह ज़्यादा है इसलिए इस पॉट में ढेर सारे बेबी प्लांट जो है निकल रहे हैं। प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि जब इसका समय आता है तो ये फ्लावर जो है बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और आपकी गार्डन की शोभा इसी तरीके से बढ़ाते रहते हैं। फ्रेंड्स, इस प्लांट को लगाना भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इस प्लांट को एक बार अपने गार्डन में लगा देते हैं तो इसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि एक बार ये प्लांट लगाने पर ये जब समय आता है तो ये बल्ब जो है समय समय पे जब भी इसका प्लांट को खिलने का समय आता है ये खिलते रहते हैं। फ्लावर खिल करके ख़त्म हो जाते हैं तब इसमें पत्तियों का निकलना स्टार्ट हो जाता है। और पत्तियां जो हैं पूरे आपके समर के सीज़न में इसी तरीके जैसे कि शो प्लांट के जैसे ये बने रहते हैं और पूरे समर सीज़न में हरा भरा ये प्लांट रहता है। और अभी मेरे प्लांट में किसी में भी पत्तियाँ नहीं हुई हैं तो मैं उसे अभी नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन जब ये प्लांट सूख जाते हैं उसके बाद से इसमें पत्तियों का निकलना चालू हो जाता है और ये जो है ये पूरा पॉट मेरा ग्रीन पत्तियों से भर जाएगा। इस प्लांट को आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं थोड़ी केयर के साथ आप इसे, और इसकी मिट्टी जो है हल्की भुरभुरी बनाएं ताकि इसके बल्ब को निकलने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से इसमें बल्ब निकलते रहें। और फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इसमें पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप इसमें पानी देते हैं तो ये इसके बल्ब जो हैं सड़ सकते हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना होता है। तो इस तरीके से आप इस प्लांट को बहुत इजीली केयर करके और इस फ्लावर का भी आनंद ले सकते हैं। फुटबॉल लिली के फ्लावर जो हैं बहुत लंबे टाइम तक टिकते हैं, जैसे कि 1-1.5 हफ्ते ये प्लांट के फ्लावर जो हैं बहुत आसानी से टिक जाते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा धूप अगर होता है तो ये फ्लावर जो है जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए ऐसी जगह पे इस प्लांट को लगाएं जहाँ पे इसको कुछ समय की धूप और बाकी टाइम इसको छाया मिले, तो ये फ्लावर जो है बहुत लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। क्योंकि ये फ्लावर जो है बहुत नाजुक होते हैं, तुरंत इसकी पत्तियाँ जो हैं इसमें जो फ्लावर हैं ये बहुत जल्दी सूखने लगते हैं। ये देखिए ये नीचे से सूखना भी बहुत ज़्यादा चालू हो गया है, लेकिन मेरा ये फ्लावर जो है 1 हफ्ते से इसी तरीके से टिका हुआ है। विंटर के टाइम में इसके प्लांट जो है बिल्कुल सूख के ख़त्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि इस पॉट में कुछ रहा होगा तो। और इसके बल्ब जो है उसी में इसके बल्ब जो है सेव हो जाते हैं, और ये प्लांट ख़त्म होने के बाद इसके बल्ब को कहीं और सेव करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके बल्ब जो है इसी पॉट में अगले सीज़न तक सेव रहते हैं। और समय जब आता है फरवरी के टाइम से इसमें जो है इसी तरीके की स्टिक निकल करके और फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से ये फ्लावर आप देख रहे हैं। और जब विंटर का टाइम ख़त्म होता है तो विंटर के टाइम के बाद जब इसका समय आता है इसके प्लांट को ग्रोथ होने का, तो आप उस टाइम इसको कोई भी फर्टिलाइज़र दे करके और उसकी तैयारी कर लेते हैं, तो ये बल्ब जो है बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप देख रहे हैं इसके फ्लावर कितने सारे फ्लावर जो है निकले हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा फुटबॉल
प्लांट के ऊपर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।